मिनी क्लासी बुटीक में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिंपल ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। इसकी स्टिचिंग हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पर कटिंग स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कॉटन फैब्रिक में ब्लाउज़ का 1 मीटर पीस लिया है, जिसको पहले से ही डबल फोल्ड करके बिछा के रखा है। इसका मेज़रमेंट है, लेंथ इसमें 13.5 इंच है, प्लेट लेंथ इसमें 9 इंच है, चेस्ट इसमें 43 इंच है, वेस्ट इसकी 38.5 इंच की है, स्लीव की लेंथ इसमें 3 इंच है, गर्थ इसकी जो गुलाई है वो 16 इंच है, फ्रंट नेक इसमें 6.5 इंच है, बैक नेक इसमें 8 इंच है। ब्लाउज़ में हम बैक नेक के अकॉर्डिंग ही फ्रंट तीरा और आर्म होल की कटिंग करते हैं। ये हमारे हैवी साइज़ का ब्लाउज़ है, तो इसमें कितना तीरा, आर्म होल और फ्रंट रखेंगे ये इसमें बैक नेक के अकॉर्डिंग लेंगे। लेकिन अगर आपको किसी और साइज़ की कटिंग सीखनी है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ, हम उस साइज़ की कटिंग आपको ज़रूर सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लाउज़ के 1 मीटर फैब्रिक को बीच से पूरा हाफ फोल्ड कर लिया है और नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है, जिससे नीचे से फैब्रिक बराबर हो जाए। ब्लाउज़ में जो हुक की पट्टी लगती है और कांच की पट्टी लगती है, उसमें अंदर के लिए मार्जिन लगभग 2 सूत का चला जाता है। तो इस वाले ब्लाउज़ में हम साइड से 2 सूत का मार्जिन लेके मार्क कर लेंगे। 2 सूत मतलब हाफ का 1/2 इंच, ये हमारा 2 सूत हुआ। तो इतना मार्जिन लेके हम इसमें मार्क कर लेंगे। इस तरह से साइड में 2 सूत का मार्जिन लेके मार्क कर देंगे। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है और ऐसा ही मार्क मैंने ऊपर कर दिया है। अब इन दोनों निशानों को स्ट्रेट कर देंगे। ये मार्क लगाने के बाद नीचे से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये निशान इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम अपने आगे के पल्ले में प्लेट्स डालेंगे, तो आगे वाला पल्ला प्लेट्स डालने पर थोड़ा छोटा हो जाता है और नीचे से थोड़ा सा फैब्रिक फोल्ड होगा अंदर के लिए, तो सारा मार्जिन इसमें आ जाएगा। तो इसलिए हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर देंगे। ये निशान लगाने के बाद हम लेंथ पे निशान लगाएंगे। लेंथ थी हमारी 13.5 इंच की, तो यहाँ से 13.5 इंच पे निशान लगा देंगे पहले, और 1/2 इंच ऊपर के लिए दबाव में जाएगा, तो 1/2 इंच ऊपर के लिए बढ़ा लेंगे, तो टोटल हो गया पूरा 14 इंच। तो यहाँ से 14 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को स्ट्रेट कर देंगे। इस वाले ब्लाउज़ में हमारा बैक का नेक रहेगा 8 इंच का, तो 8 इंच नेक के अकॉर्डिंग ही हम अपनी आर्म होल पे निशान लगाएंगे। तो आर्म होल रहेगा इसमें 6.5 इंच का, और इसमें जो हमने प्लेट की लेंथ ली थी वो थी हमारी 9 इंच पे, तो 1/2 इंच ऊपर के लिए दबाव में चला जाएगा, तो हम लगभग 9.5 इंच पे निशान लगा देंगे। इन दोनों निशानों को सीधा कर देंगे। ये निशान सीधे करने के बाद अब हम इसमें जो भी निशान लगाएंगे वो इस वाली लाइन से निशान लगाएंगे, ये यहाँ से नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वाला फैब्रिक हमने अंदर दबाने के लिए एक्स्ट्रा लिया था, तो सारे निशान इस वाली लाइन से ही लगाएंगे। इसमें चेस्ट था हमारा 43 इंच का, तो 43 इंच का 1/4 हुआ 11.5 इंच, लेकिन हमारी यहाँ पे प्लेट पड़ेगी तो लगभग 2 सूत का मार्जिन इसमें भी चला जाएगा, तो यहाँ से पूरा हम 11 इंच पे मार्क कर देंगे और इस निशान को पूरा स्ट्रेट कर देंगे। कमर की फिटिंग का निशान अभी हम नहीं लगाएंगे, वो जब हम स्टिचिंग करेंगे तो सबसे लास्ट में कमर की फिटिंग करेंगे, अभी इस निशान को पूरा स्ट्रेट कर देंगे। नीचे भी 11 इंच पे निशान लगा के पूरे निशान को सीधा कर दिया है। अब साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और इस निशान को भी सीधा कर देंगे नीचे तक। ये निशान लगाने के बाद प्लेट का निशान लगाएंगे, यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगा देंगे और नीचे भी 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से आगे के लिए 2 इंच पे निशान लगा लेंगे, अब पीछे के लिए 1.25 इंच पे निशान लगा देंगे। पहले इस निशान को सीधा कर लेंगे और इस निशान को लगभग साइड से 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। इस वाले निशान को भी थोड़ा सा तिरछा करके निशान लगा देंगे। लगभग 1 इंच डाउन करके मैंने तिरछा निशान लगा दिया। अब इन दोनों निशानों के बीच में ही निशान लगा देंगे। इस निशान को जो आर्म होल की गुलाई होगी वहाँ पे सीधा कर देंगे। चेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें फ्रंट रखेंगे 6 इंच की, तो यहाँ से 6 इंच पे निशान लगा देंगे। बैक का गला इसमें है 8 इंच का, तो 8 इंच नेक के अकॉर्डिंग तीरा रखेंगे इसमें,
पौने छः इंच का, तो यहाँ से पौने छः इंच पे निशान लगा देंगे। इस निशान को इस निशान से सीधा कर देंगे। ये निशान लगाने के बाद इसमें साइड से थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। इस तरह से गोलाई देने के बाद अब इस वाले निशान को तिरछा कर देंगे, बिल्कुल इस वाली लाइन से मिलाते हुए। अब सेम इन्हीं मार्क पे कट कर लेंगे। साइड से कट कर लिया है। अब ये जो नीचे के लिए स्ट्रेट लाइन लगाई थी कपड़े को बराबर करने के लिए, उसे भी कट कर लेंगे। नीचे से कट करने के बाद सारे निशानों पे हल्के हल्के से कट लगा दिए हैं, जिससे दूसरी तरफ भी आसानी से निशान लगा लें। अब गले का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई रखेंगे 6 इंच की, तो इस निशान से 3 इंच पे निशान लगा देंगे और इस निशान को पहले सीधा कर लेंगे। इसमें गला है 6.5 इंच का, लेकिन 1/2 इंच ऊपर से शोल्डर में दब जाएगा, तो पूरा 7 इंच का मेज़र कर लेंगे। इस तरह से इंची टेप को 3 इंच जहाँ पे निशान लगाएगा वहाँ पे तिरछा रखेंगे और इस वाली लाइन पे 7 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसे हल्का सा राउंड दे देंगे। राउंड देने के बाद सेम इसी निशान पर कट कर देंगे। गला हमारा कट हो गया है। इसमें कंधे ज़्यादा डाउन नहीं करेंगे, लगभग 1 सूत का मार्जिन लेके हल्का सा डाउन कर देंगे। बिल्कुल हल्का सा ही डाउन करेंगे। अब हमारा आगे का पल्ला कट हो गया है, अब इसमें पीछे का पल्ला कट करेंगे। पीछे वाले पार्ट के लिए भी डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है। ये हमारा डबल फोल्ड फैब्रिक है। इस साइड से फैब्रिक ज्वाइंट है। नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है, जिससे नीचे से ऊपर नीचे वाला फैब्रिक बराबर हो जाए। पहले अब इस वाली लाइन पे ही कट कर लेंगे, जिससे पीछे का पल्ला आसानी से कट कर सके। नीचे से कपड़े को कट करके बराबर कर दिया है। अब इसके ऊपर आगे का पार्ट रखेंगे। आगे वाले पल्ले में जो हमने साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, उसको अंदर के लिए फोल्ड कर देंगे और इस पर पिनअप कर लेंगे। पहले पिनअप करने के बाद आगे वाले पल्ले में लगभग 1/4 इंच पे निशान लगा देंगे। ये इसलिए लगाया है क्योंकि आगे का पल्ला हमारा सिकुड़ता है प्लेट्स डालने पे, लेकिन पीछे के पल्ले में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जो हमने 2 इंच के मार्जिन में हमने फोल्ड का एक्स्ट्रा लिया था और सिकुड़ने पे जो फैब्रिक जाता है उसका लिया था, तो सिकुड़ने वाला फैब्रिक हम इसमें से हटा देंगे और फोल्ड करने वाला फैब्रिक लेंगे और ये 1/4 इंच पे जो निशान लगाया है वहाँ से हम अपने कपड़े को बराबर से किनारे से मिलाते हुए रख के सेट कर लेंगे। साइड से भी 1/4 इंच पे निशान लगा के बराबर से रखेंगे। अब इसको बराबर से सेट कर लेंगे। साइड से कपड़े को सेट करने के बाद पीछे वाले पार्ट में आर्म होल पे 1 इंच बढ़ा के निशान लगाएंगे। तो हम आर्म होल पे 1 इंच पे मार्क कर देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हल्का सा राउंड दे देंगे, जैसे आगे वाले पार्ट में दिया था। इस तरह से इसमें राउंड दे दिया है। अब सिर्फ इसी मार्क पे कट कर देंगे। साइड से कट करने के बाद आगे वाली प्लेट का निशान लगाएंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन लगी है, यहाँ से फैब्रिक को हल्का सा उठाएंगे और ऐसे निशान लगा देंगे। अब आगे वाले पार्ट को हटा देंगे। अब जो मार्क लगाया था उस मार्क को स्ट्रेट कर लेंगे। मार्क स्ट्रेट करने के बाद सेंटर से 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और नीचे भी 3.5 इंच पे निशान लगा देंगे। इन दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे। इसमें भी गले के लिए 3 इंच की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद मैंने लाइन को स्ट्रेट कर दिया है। अब बैक नेक था हमारा 9 इंच का, ऊपर से इसमें भी 1/2 इंच मार्जिन ऊपर के लिए चला जाएगा, तो इसमें हम 9.5 इंच पे मेज़र कर लेंगे। जैसे फ्रंट पार्ट में नेक का निशान लगाया था, वैसे ही सेम 3 इंच पे जहाँ पे निशान लगाए वहाँ पे मेजरिंग टेप को रखेंगे और इस तरह से 9.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसमें भी हल्का सा राउंड दे देंगे।
राउंड लेने के बाद अब इसे कट कर लेंगे। नेक कट करने के बाद प्लेट पे जो निशान लगाया था वहाँ पे हल्का सा कट लगा लिया है। अब ऐसे ही निशान पीछे भी लगा लेंगे। यहाँ पे सीजर को ऐसे रखेंगे और हल्का सा दबाएंगे जिससे पीछे निशान थोड़ा सा उभर आएगा। ये देखिए पीछे निशान उभर आया है। अब जहाँ पे कट लगाया था वहाँ से इसको मिला देंगे। इसमें निशान लगा लिया है। अब आगे के पल्ले में दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे। आगे के पार्ट में जो पिन लगाई थी पहले उन्हें खोल देंगे। पिन खोलने के बाद सेंटर से फैब्रिक ज्वाइंट है, पहले बीच से इसे कट कर देंगे। सेंटर से कट करने के बाद इन निशानों को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। निशान डार्क करने के बाद फैब्रिक को घुमा देंगे और नीचे वाले पार्ट को निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर ये वाला पार्ट जिधर से निशान लगे हैं उस साइड से रख देंगे और साइड से अच्छे से मिला लेंगे। बराबर से कपड़े को मिलाने के बाद जहाँ पे निशान लगाए हैं वहाँ पे हल्का सा ऐसे हाथ को मारेंगे। इस तरह से हमारे इस वाले कपड़े पे जो निशान लगे हैं वो दूसरे वाले कपड़े पे भी आ जाएंगे हल्के से। देखिए जब कपड़े को अलग किया तो इस पे हल्के हल्के से निशान आ गए हैं। आप जब ऐसे देखेंगे तो ये निशान दिखाई देंगे। अब इन निशान को थोड़ा डार्क कर लेंगे। ये हमारे आगे पीछे दोनों के पार्ट कट हो गए। अब हम इसमें स्लीव्स को कट करेंगे। जिस साइड से बॉर्डर लगा है वहाँ से ये हमने डबल करके फैब्रिक लिया है। अब इसे इस तरह से डबल कर लेंगे। अब ये हमारा फोर फोल्ड फैब्रिक हो गया। इधर से हमारा ये जॉइंट फैब्रिक है। अब इसी पे हम मार्क करेंगे। नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है तो हम हल्का हल्का अंदर के लिए कपड़ा फोल्ड करके बाद में इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। स्लीव की लेंथ है 3 इंच। जहाँ से हमारे बॉर्डर की स्टार्टिंग है वहाँ से लगभग हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि लगभग 2 सूत हमारा ऊपर से स्लीव को अटैच करने में चला जाएगा। तो 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को स्ट्रेट कर लेंगे। नीचे से गुलाई है हमारी 16 इंच की, तो 16 का हाफ हुआ 8 इंच। सेंटर से 8 इंच पे ऐसे मार्क कर दिया। यहाँ से तिरछा 9 इंच पे मेज़र करके मार्क कर देंगे और आर्म्स की साइड से 1.25 इंच पे मार्क कर देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक हल्की सी गुलाई दे देंगे। इस तरह से इसमें गुलाई दे दी है। अब से हम इसी मार्क पे कट कर लेंगे। साइड में 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके स्लीव को कट कर लिया है। आगे की तरफ से स्लीव में थोड़ी सी गहराई होती है तो ऊपर से 1/2 इंच पे मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद यहाँ से हल्की सी शेप दे देंगे। इस तरह से शेप देने के बाद जो 4 फोल्ड फैब्रिक था उसे सिर्फ डबल फोल्ड से ही खोल लेंगे। ये 2 स्लीव्स हो गई हमारी। अब इसको इसी शेप पे कट कर देंगे। इस तरह से हमारी स्लीव्स कट हो गई है। स्लीव्स कट करने के बाद नीचे से ये थोड़ा एक्स्ट्रा बॉर्डर बच गया। ये 2 हिस्सों में बचा था जिसे मैंने बीच से ज्वाइंट कर लिया है, तो इतना ये बड़ा बॉर्डर हो गया है। इसे हम बैक के पार्ट में नीचे के लिए अटैच करेंगे। ये हमारा बैक का पार्ट है, यहाँ पे हम बॉर्डर को अटैच करेंगे। इस तरह से हम बॉर्डर को नीचे अटैच कर लेंगे। इसे हम स्टिचिंग के पार्ट में बताएंगे कि कैसे अटैच करेंगे। अब हम हुक और आई के लिए 2 पट्टियाँ कट कर लेते हैं। 3.25 इंच चौड़ी ऐसी 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। गले में पाइपिंग लगाने के लिए और ये पट्टियाँ कट कर लेंगे। ब्लाउज में जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको हम तिरछा रखेंगे और साइड से बिल्कुल बराबर कर लेंगे। अब इसमें हम पट्टी की चौड़ाई लगभग 1.5 इंच लेंगे और इसको भी तिरछा मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इसे कट कर लेंगे। ये हमारी और एक पट्टी कट हो गई है। अब ऐसे ही हम 2 से 3 और पट्टियाँ कट कर लेंगे। और एक पट्टियाँ कट हो गई हैं। अब शोल्डर में अंदर से लूप लगाने के लिए 2 छोटी पट्टी कट कर लेंगे। लूप्स के लिए लंबाई में 6.25 इंच कट करेंगे और चौड़ाई में 2.25 इंच कट करी है।
इसको सिलने के बाद सेंटर से अलग कर देंगे, जिससे ये दो लूप्स हमारे बन जाएंगे। ब्लाउज़ की पूरी कटिंग हो गई है। ये पीछे का पार्ट है, ये आगे के पार्ट है, ये स्लीव्स हैं, ये लूप्स की पट्टियाँ हैं, ये और ये पट्टियाँ हैं, और ये हुक और आई के लिए पट्टियाँ हैं। ब्लाउज़ की स्टिचिंग हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। पूरी कटिंग सीखने के लिए आप वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय बाय।